वेलकम बच्चों। सो हमारा चालू है मैट्राइसेस, ठीक है। और उसमें हमने अलग अलग चीज़ें देखी है, यानी मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स के अनेक अलग अलग टाइप्स देखे, ठीक है। उस टाइप्स के बाद में हमने ये भी देखा, जैसे कि हमारे पास में अलग टाइप है, रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, स्क्वेयर मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स है, बहुत सारे। उसके बाद उसका डिटर्मिनेंट देखा, और ये भी देखा हमने कि डिटर्मिनेंट अगर जीरो आता है तो हम उसको क्या कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स, और अगर वो जीरो नहीं आया तो हम उसे क्या कहते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी देखा, जैसे कि अगर आप बात करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 ये होगा, या फिर 1 0 0 0 1 0, ठीक है, 0 0 1, ये सब हमारे पास हमने देखा हुआ है, ठीक है। फिर उसका ऑर्डर क्या है क्या नहीं वगैरह सब चीज़। उसके बाद में हमने देखा एडिशन सब्ट्रैक्शन भी देखा, लास्ट टाइम में हमने मल्टीप्लिकेशन भी देखा, ट्रांसपोज देखा, माइनस देखा, कोफैक्टर्स देखा, कोफैक्टर मैट्रिक्स देखा, एडजॉइंट मैट्रिक्स देखा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देखी है, ठीक है। और आज हमारे पास है हेडिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए, किससे बताते हम उसको, ए इनवर्स से। अब ये पहली बात तो क्या चीज़ है वो देख लो। अगर मान लीजिए कि मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया ए, ठीक है, और हमने मल्टीप्लिकेशन देखा हुआ है, और मैंने दूसरा मैट्रिक्स ले लिया, समझो बी ले लिया, और इन दोनों का मैंने क्या किया, प्रोडक्ट किया, ठीक है, यानी ए इंटू बी किया, या फिर हमने बी इंटू ए किया, ठीक है, या तो ए इंटू बी करो या फिर बी इंटू ए करो। इन दोनों की वैल्यू पहली बात सेम आनी चाहिए, और वो जो भी आएंगे, अगर वो इन केस अगर आई आती है, आई का मतलब अगर आपको ए इंटू बी करने के बाद या फिर बी इंटू ए करने के बाद अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर मिलता है, तो समझ जाइए बच्चों कि ए बी का क्या होगा, इनवर्स होगा, या फिर बी ए का क्या होगा, इनवर्स, ठीक है। यानी हम बोलेंगे यहाँ पे इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू बी, जिसको हम किससे बताएंगे, ए इनवर्स से, ठीक है। या फिर आप उल्टा भी बोल सकते हैं, इनवर्स ऑफ बी इज इक्वल टू ए, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, बी इनवर्स, ठीक है। यानी अगर मैं बी के जगह पे ए इनवर्स डाल दूँ तो ये क्या बनेगा, ए इंटू ए इनवर्स, यहाँ पे बी के जगह पे इज इक्वल टू इनवर्स ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आपको क्या मिलने वाला है, आई मिलने वाला है। अगर ये आपको ऐसा मिलता है तो वो एक दूसरे के क्या कहते हैं, इनवर्स कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में तो यानी इनवर्स क्या कहेंगे, सिंपल क्या कि इफ, ठीक है, लेट ए एंड बी बी द टू मैट्रिक्स, बी टू मैट्रिसेस, ठीक है, सच दैट, ठीक है, ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, और इज इक्वल टू क्या आएगा, आई अगर आता है सो क्या कहेंगे, सो ए इज़ द इनवर्स, ठीक है, इनवर्स ऑफ बी, ठीक है, ए क्या है, ए बी का इनवर्स है, ठीक है, ए बी का इनवर्स है, या फिर इनवर्स ऑफ बी इज इक्वल टू ए बोलो, तो यहाँ पर लिखते समय हम क्या बोलेंगे, बी इनवर्स, ठीक है, या फिर हम थोड़ा सा वर्ड्स में थोड़ा सा बदलाव कर देते, इनवर्स ऑफ ए क्या बोल देते यहाँ पर, सो इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू बी, जिसको हम किससे बताएंगे, ए इनवर्स है, या फिर उल्टा करेंगे तो इनवर्स ऑफ बी इज इक्वल टू ए आएगा, जिसको हम बी इनवर्स बोल सकते हैं। यानी सिंपल अगर उसी को अगर ऊपर में चेंज किया जैसे इसके जैसा, तो ए है हमारे पास, बी के जगह पे क्या करेंगे, ए इनवर्स डालेंगे, इज इक्वल टू बी के जगह पे ए इनवर्स डालेंगे इनटू ए इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, आई, अगर आ जाएगा तो समझ जाए कि वो हमारा क्या है, इनवर्स है। और या फिर अगर हम बी के फॉर्म में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए के जगह पे, ठीक है, अब बी इनवर्स लिखेंगे इनटू ये बी हो जाएगा इज इक्वल टू, ये बी तो है ही, आप ए के जगह पे क्या लिख सकते हो, बी इनवर्स इज इक्वल टू आई, ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है, तो जो भी है इस तरह से आप लिख सकते हो। तो सिंपल है कि दो मैट्रिसेस का अगर मल्टीप्लिकेशन आई आता है, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर आता है, तो हम एक दूसरे के क्या कहेंगे, इनवर्स कहेंगे, ठीक है। अब हमारे पास में हेडिंग आती है, ठीक है, यानी इनवर्स को ढूंढना, टू फाइंड इनवर्स बाय, दो मेथड है हमारे पास, ठीक है, इन्वर्सल मेथड है, एडजॉइंट मेथड है, तो हम देखेंगे एडजॉइंट मेथड से, यानी क्या बोलेंगे, टू फाइंड इनवर्स, क्या निकालना है हमको, इनवर्स निकालना है बाय एडजॉइंट मेथड, कौन से मेथड से, एडजॉइंट मेथड, ठीक है, एडजॉइंट मेथड से हमको क्या करना है, इनवर्स निकालना है। उसके लिए बच्चों ध्यान में रखो, सबसे पहले आप यहाँ पर
कुछ पॉइंट्स की चेकिंग करेंगे। जो भी आपको अगर क्या करना है, इनवर्स देखना है, तो वो मैट्रिक्स आपका नॉन सिंगुलर चाहिए, ठीक है, टू फाइंड इनवर्स ऑफ, ठीक है, इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड, ठीक है। पहले तो आप क्या करेंगे, गिवन मैट्रिक्स लिखेंगे, गिवन मैट्रिक्स, ठीक है, समझो गिवन मैट्रिक्स हमारा ए इज इक्वल टू कुछ है, ठीक है। उसके बाद में आप उसका क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। अब सिंपली इसको आप ऐसा लिख सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको सॉल्व करते जाओ, सॉल्व करने के बाद वो नॉट इक्वल टू जीरो आना चाहिए, ठीक है, नॉट इक्वल टू जीरो, यानी क्या बोलेंगे, सो ए इज ए नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए क्या है हमारा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, सो ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स क्या बोलेंगे, एग्जिस्ट होता है। पहले आपको ये काम करना है कि सबसे पहले आप उसका क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आया तो समझो, क्योंकि जीरो आता तो सिंगुलर होता, अब जीरो नहीं आने से क्या होगा, ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और अगर ए नॉन सिंगुलर है मतलब ए इनवर्स फाइंड किया जा सकता है, यानी ए इनवर्स एग्जिस्ट होगा। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, वो पॉइंट देखते हैं हम, ठीक है। तो आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना है, ठीक है, कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या करना है आपको, कोफैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है, ये कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल दो। उसके बाद में आप उसका ट्रांसपोज करके एडजॉइंट ऑफ ए निकाल दो, वो निकाल दिया आपने, और उसके बाद में फिर यहाँ पे ये हमारे पास फार्मूला है, ए इनवर्स इज इक्वल टू वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये हमारे पास फार्मूला है। ये फार्मूला लगा और उसको आगे में सॉल्व करो, ठीक है, ध्यान में। सो सिंपल क्या कहेंगे कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, किससे बताते हैं हम, ए इनवर्स होगा क्या कि ए और ए इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन, या फिर ए इनवर्स और ए का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, आएगा अगर मान लीजिए बी है तो बी का इनवर्स बी इनवर्स, या फिर बी इंटू बी इनवर्स किया तो भी आएगा। अब आपके पास क्या हेडिंग है, टू फाइंड इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड। एडजॉइंट मेथड से हमको क्या करना है, हमको इनवर्स निकालना है। तो उसके लिए करना क्या है, पहले गिवन मैट्रिक्स लिखेंगे, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, उसके बाद अगर वो जीरो नहीं आया तो आप लिखेंगे ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, उसके बाद ए इनवर्स एग्जिस्ट, यानी आप इनवर्स निकाल सकते हो। उसके बाद में कोफैक्टर मैट्रिक्स है वो निकाल दीजिए, आपको मालूम है किस तरह से निकालते हैं। फिर एडजॉइंट ऑफ ए वो निकालना है, ये भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद में ए इनवर्स का फार्मूला, क्या फार्मूला है ए इनवर्स का, ए इनवर्स इज इक्वल टू वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलो इसको हम ना एग्जाम्पल से पढ़ते हैं। तो आप जो हमारी एक्सरसाइज चल रही थी, उस एक्सरसाइज के 2.2 एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर आप 5 निकालेंगे। मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्राइसिस बाय एडजॉइंट मेथड। उसमें से हम क्वेश्चन फर्स्ट लेते हैं, हम क्या करने वाले, क्वेश्चन फर्स्ट लेंगे। अब क्वेश्चन फर्स्ट में आपको दिख रहा है वहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया गया है, -1, 5 है, -3 और ये 2 है, ठीक है, ये इस तरह से आपको दिया। फिर से चेक कर लो, -1, 5, -3, 2 है। मैं आपको एक क्वेश्चन समझाता, उसके बाद में आप आराम से खुद ओके कर सकते, क्योंकि ये सभी चीज़ें हमने देखी हुई है, बस एक नया फार्मूला ए इनवर्स इज इक्वल टू वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, बस इतना ही आपको नया सा पढ़ना है, बाकी आपने देखा हुआ है, ठीक है। सो ये आपको ध्यान में रखना है। चलो तो हमारे पास है, सबसे पहले मैंने क्या कहा, गिवन मैट्रिक्स। तो चलो गिवन मैट्रिक्स लिखे, गिवन मैट्रिक्स, चलो बोलो क्या है गिवन मैट्रिक्स। मैं इसको नाम ले लेता हूँ, समझो ए है, क्या है बताओ, -1 यहाँ पर 5 है, ये -3 है और ये 2 है, ठीक है। सबसे पहले मैंने जो कहा उसको चेक करो, क्या है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो आप निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मतलब डिटर्मिनेंट में ले लो -1, 5, -3, 2, आपको इसका डिटर्मिनेंट लिखना है। तो डिटर्मिनेंट के लिए क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की सब्ट्रैक्शन, पहले ऐसा -1, 2 या फिर ऐसा लिखो -1 × 2 - 5 × -3, सॉल्व करेंगे तो ये -2 माइनस माइनस प्लस, और 5 × 2 ये बन जाएगा 15, 15 में से 2 गए तो ये आ गए आपके 13, जो 0 नहीं है, यानी नॉट इक्वल टू 0, इसलिए हम बोलेंगे कि ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या है ये, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ए क्या है हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होने के कारण
ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, यहाँ पर ए इनवर्स क्या होता है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये आपको लिख लेना है वहाँ पे। उसके बाद में अब वो हो क्या, अब कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना है। तो चलो कोफैक्टर के लिए ना कोफैक्टर, ठीक है, कोफैक्टर, ठीक है, कोफैक्टर ऑफ, ठीक है, एलिमेंट ए आई जे। तो क्या फार्मूला था हमारे पास में, हमने सी आई जे से बताया था, फार्मूला था माइनस वन का पावर आई प्लस, देखो ये आई है, ये आई प्लस जे इंटू माइनर ऑफ आई जे, ऐसा लिखा था। चलो एक एक करके सॉल्व करते, तो सी वन वन लेते हैं, सी वन वन का मतलब माइनस वन, ऊपर में वन प्लस वन, ये हम पढ़े हुए इसलिए हम थोड़ा सा फास्ट जा रहे हैं, एम वन वन है, ठीक है। तो एम वन वन यहाँ पर लिख लेते हैं, एम वन वन, तो इसका मतलब ये टू हो जाएगा, टू का ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है, इंटू हमारे पास में यम वन वन, देखो तो मैंने कहा था यम वन वन कैसे निकालना, ये वन और ये छोड़ दो, तो यहाँ पे आएगा टू, इसलिए आंसर होगा टू, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर सी वन वन हो गया, अब सी वन टू, तो सी वन टू का मतलब माइनस वन, वन प्लस टू इंटू यम वन टू, आगे बढ़ेंगे ये वन प्लस टू थ्री होगा, यानी इवन नहीं है, ऑड है वो, इसलिए आंसर माइनस वन इंटू यम वन टू। तो यम वन टू का मतलब, ठीक है, क्या है हमारे पास में, ये यम वन हो गया और ये टू, वन टू, यानी आंसर होगा माइनस थ्री, तो ये देगा थ्री, ठीक है। फिर दूसरा सी टू वन, सी टू वन है तो माइनस वन, टू प्लस वन इंटू यम टू वन, तो यहाँ पे थ्री आएगा तो फिर से माइनस वन इंटू यम टू वन, तो यम टू वन का मतलब ये टू और ये वन, मैंने छुपाने को कहा था, ठीक है। तो 2-1 का मतलब क्या है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, ये सेकंड रो है छोड़ दिया, फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, तो कौन बचेगा, 5, तो ये आपको मिलेगा माइनस 5, ठीक है। उसके बाद में सी टू टू, इसका मतलब माइनस वन का पावर 2 प्लस टू और यम टू टू इज इक्वल टू, ठीक है। तो फिर से देखो 2 प्लस टू 4, यानी इवन, इवन का अगर पावर में आता तो 1 आएगा इंटू 2 2 का मतलब, देखो यम टू टू का मतलब क्या है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। तो ये सेकंड रो आपने छोड़ दिया, ये सेकंड कॉलम भी छोड़ दिया, तो बचेगा कौन, माइनस वन, यहाँ पर आप लिखेंगे माइनस वन, सो आंसर आएगा माइनस वन, हो गया। तो अपने कोफैक्टर्स निकाले, अब निकालना क्या है, कोफैक्टर मैट्रिक्स, यहाँ पे हेडिंग डाल दो कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स में बराबर लिखो, पहला कौन है, सी वन वन ये टू है, सी वन टू है थ्री, सी टू वन है माइनस फाइव और टू टू है माइनस वन, ये हो गया आपका क्या, कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स के बाद आपको क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। सो आप यहाँ पर निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए क्या करना था, रो को कॉलम में बदलना, कॉलम को रो में, टेक्निक क्या थी, ये आर वन है तो उसको सी वन बनाओ, तो आर वन है टू थ्री, ये बन जाएगा सी वन यानी कॉलम। सेकंड है माइनस वन माइनस माइनस फाइव माइनस वन, ये बनेगा माइनस फाइव माइनस वन। तो ये आपके पास बच्चों हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। और फिर उसके बाद में फार्मूला है इनवर्स ऑफ ए इज गिवन बाय, ऐसे हेडिंग डालना, इनवर्स इनवर्स ऑफ ए इज गिवन बाय, क्या फार्मूला है, देखो ये ए इनवर्स इज इक्वल टू वन अपॉन इन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, देखो वहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए है, और इसलिए वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, देखो कहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये आया है 13, ठीक है, इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या है 2, यहाँ पर लिखेंगे माइनस फाइव ये 3 और यहाँ पर माइनस 1। आप एक काम कर सकते हो, ये 13 से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन आवश्यकता नहीं है, उल्टा हम कॉमन एच निकालते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका ए इनवर्स इस तरह से, तो आपको ए इनवर्स मिल गया। तो इस तरह से आप एडजॉइंट मेथड का इस्तेमाल करके क्या निकाल सकते हो, इनवर्स निकाल सकते हो, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, सबसे पहले ध्यान में रखना कि ए और बी कोई भी दो मैट्रिक्स है, उनका प्रोडक्ट आगे पीछे में अगर आता है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ए को बी का, बी को ए का इनवर्स कहते हैं, ठीक है। तो सिंपली ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई, और एग्जाम्पल बदल सकता है बी इनवर्स बी या फिर बी इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू आई, ये आएगा तो समझ जाना कि वो एक दूसरे के क्या है,
इनवर्स है। फिर टू फाइंड इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड क्या करना है, पहले गिवन मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट निकालना, जीरो नहीं आना चाहिए, नहीं आया तो नॉन सिंगुलर यानी ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है और सिंपली इनवर्स ऑफ ए का फार्मूला लिखना है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो इस तरह से बच्चों आपको करना है, ठीक है। तो उसमें जो भी आगे में और भी क्वेश्चंस है आप उसको प्लीज़ ये सब देखो और उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। और भी हम यहाँ पे प्रॉब्लम, जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, 2x2 वाला लिया, देखो ये जो हमारा 2x2 वाला है, अब आप आगे मेरी ज़रूरत ही नहीं है एक तरह से, क्योंकि सब पड़ा हुआ है, सिर्फ ये आज एक्स्ट्रा का फैक्टर आया यहाँ पर, ठीक है। फिर भी अगर इनकेस नहीं आता तो हम यहाँ पर भी फिर से देखने वाले, 3x3 का भी हम देखने वाले, ठीक बच्चों। तो चलो इसकी आप घर में प्रैक्टिस करेंगे, आई होप सो। तो यहाँ पर अभी हम रुक जाते हैं, बाकी का कंटिन्यू करेंगे बाद में। टिल देन बाय।